राजस्थान के उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य अधिकारी को नौकरी से निकाले जाने पर कर्मी उखड़ गए हैं। आपको बता दें कि सीएमएचओ रहे डॉक्टर कप्तान सिंह को बिना कारण बताए एपीओ किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय जाट एकता संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राकेश सिकरवार के नेतृत्व में शहर में रैली निकाली गई है। इसके साथ ही उन्हें वापस सीएमएचओ के पद पर लगाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अति जिला कलेक्टर प्रशासन बीना महावर को ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में रैली में शामिल लोगों ने कहा कि वैश्विक महामारी में कप्तान सिंह ने दिन रात एक करके ऐसी बीमारी से भरतपुर की जनता जनार्दन को अपनी बेहतरीन सेवाएं दी हैं, जो बहुत ही प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। नमस्कार भरतपुर कोरोना अपडेट शब्द सुनते ही लोगों की सारी अफवाह दूर हो जाती थी। ऐसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर कप्तान सिंह रात के 2 बजे तक जागकर कोरोना में सेवाएं दे रहे थे। ऐसे सीएमएचओ को एपीओ किए जाने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला दुर्भावनावश सरकार ने लिया है। बिना किसी कारण बताए उनको एपीओ कर दिया गया। इस फैसले का भरतपुर की जनता जनार्दन एवं राष्ट्रीय जाट एकता संगठन विरोध कर रहा है एवं उन्हें पूर्व की भांति सीएमएचओ के पद पर वापस लाने की मांग कर रहा है। रैली का समर्थन विक्रम सिंह अध्यक्ष भरतपुर जाट एकता संगठन एवं सुनील चौधरी, रामवती चौधरी, डॉक्टर प्रदीप गर्ग, प्रशांत चौधरी, अनिल देहरा, संजू चौधरी, सत्येंद्र चाहर, रंजीत आदि ने किया। उल्लेखनीय है कि कप्तान सिंह को गत 22 तारीख को एपीओ किया गया था। इसके बाद से ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।